हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज 2.0। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बी फॉर बाबा जी की वीडियो, भोजपुरी ठरकी डबल मीनिंग सॉन्ग्स, भोजपुरी हॉट सॉन्ग्स रोस्ट एपिसोड 7। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। @खैरी मिनाटी को भी टैग किया है। हाँ, बी फॉर बाबा जी का स्टाइल थोड़ा सा वैसा ही लगता है, मतलब खैरी मिनाटी जैसी है ना। तो देखते हैं भाई क्या है इस वीडियो में। भोजपुरी में तो भाई कई लेवल हैं सॉन्ग्स के, ठीक है। मतलब एक है सबसे हाई लेवल, लाइक खेसारी भैया, पवन भैया और रवि किशन एंड मनोज तिवारी, इस टाइप के भैयाओं का सॉन्ग्स है, ठीक है। और बाकी उसके बाद तो कुछ मिडल में आ जाते हैं जिनमें थोड़ी बहुत डबल मीनिंग सॉन्ग होती है और बाकी सॉन्ग होते हैं मूवीज़ में, ऐसे सॉन्ग होते हैं। और एक आ जाते हैं सबसे लोअर क्लास, ठीक है। तो उनमें तो सिवाय डबल मीनिंग के और कुछ होता ही नहीं है, वो सॉन्ग्स ही इसीलिए बनते हैं ताकि मतलब अश्लील लोगों को मज़ा दे सकें, ठीक है बस। तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद में इसके बारे में बात करें। कहता है मोबाइल और बेबी दोनों अलग हैं, दोनों सेम हैं, दोनों को साथ में रखना पड़ता है, दोनों को खर्चा भी देना पड़ता है, दोनों को रात में चार्ज भी करना पड़ता है। oh yeah. बस फर्क इतना है कि मोबाइल को लाइट से चार्ज करना पड़ता है और बीवी को प्यार से चार्ज करना पड़ता है। नाटी भाभी, सब कुछ अच्छे से समझा के लास्ट में मेन टाइम पे बातों को घुमाना। कोई इनसे सीखे, सीखे इनसे, सीखे। भाभी कहते बहुत पहुंचे हुए चीज है बे, भाभी को हल्के में मत लेना। ये वही भाभी है जो मोहल्ले के लौंडों के सपनों में आती है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लौटा ले। तो हाजी काल चले सबके, सब कुशल मंगल। तो भैया आज हम फिर बात करेंगे उसी बदनाम इंडस्ट्री के बारे में। हाँ हाँ, वही इंडस्ट्री जिसका खूबसूरत संगीत सुनने और देखने के बाद हर किसी के जबानी उबाल मारने लगता है और फिर दिल लंड से बस एक ही बात कहता रहता है। तो यार चलो इनसे थोड़ी संगीत हम भी सीखते हैं और सिखाते हैं, आ जाओ। आइए देखते हैं, बैठ चल, मजा आएगा। राजू भैया ये लीजिए नियोता, अगर आपके पास टाइम है इसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो भाइयों और बहनों और भाभी, ये वीडियो सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। इस वीडियो में मैं अगर किसी को बेटी चोद कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेटी चोद है, बस मजे के लिए कहना पड़ता है। तो तुम लोग भी मजे में लेना, फालतू में अपना बीपी मत बढ़ाना। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे, और अगर नहीं समझे तो एक काम करो, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेटो और गांड मराओ। धन्यवाद। चलो अब भैया देखो, सनी लियोन और भोजपुरी सॉन्ग्स में बहुत सिमिलैरिटी है। अब तुम लोग पूछोगे कैसे, तो देखो जैसे सनी लियोन की मूवी तुम माँ बाप के सामने नहीं देख सकते, वैसे ही भोजपुरी सॉन्ग्स भी माँ बाप के सामने सुन नहीं सकते, नहीं तो कान और गांड दोनों फट जाएगा। चूतिया लिखा है क्या? नहीं भाई, ये हादसा मेरे साथ हो चुका है इसीलिए कह रहा हूँ। ये एक डरावने दिन की बात है, मैं घर में फुल साउंड देके होम थिएटर में गाने सुन रहा था, तभी अचानक मुझे सुसु लगा और मैं सुसु करने बाथरूम चला गया और तभी मेरे प्लेलिस्ट से एक गाना बजने लगता है। लड़कों पे से टनक वाला बाटे हमार, चोद के मन बाटे बुढ़िया तोहार, तनी टंगरी उठाओ तुनु अपन छितार, चोद के मन बाटे बुढ़िया तोहार। जैसे ही इस गाने की खूबसूरत बोल मेरे कानों में पड़ी, मेरी कांड फट गई, पर फिर भी मैं सुसु को छोड़ के आ नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त सुसु चरम सीमा में था। पर जैसे ही टैंकी खाली हुआ और मैं बाहर आया, उसके बाद जो हुआ, उस दिन से मैंने होम थिएटर में गाने सुनना ही बंद कर दिया है और उसी दिन से सोच लिया है। बहुत बढ़िया। तो चलो बे, बहुत कर ली कूद के बेचे थी, अब आगे लगाओ, देखे जरा क्या बकचोदे हो रहा है। hey, गुलशन भाई का है ये लड़किया के भीतरी का है, खुजली बुजली हो गई का, बार बार हाथ दे के निकालती हो। भोजड़ी के पूछ तो तू ऐसे रहा है जैसे तू खुजली भगाने वाला डॉक्टर है और अभी जाके खुजा देगा। बेटी ओ, ऐसे मुझे पता है तू इतना गांडू है कि तू खुजा भी देगा पर वो देगी नहीं। और अगर ज्यादा जबरदस्ती करेगा तो वो लड़की एक ही बात कहेगी, मैं तेरे मुंह में अंडे दूंगी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो एसोल, मतलब
गांड का छेद। हाँ हाँ वही, इस बच्चे के सामने कैसी अश्लील बातें कर रहा है। तो मैं बता दूं, ये कोई बच्चा नहीं है, यही इस वीडियो का जान और इस गाने का गांड फाड़ सिंगर है। तो जोर से बोलो वाह मोदी जी, वाह वाह। अरे बबलू तू ना समझवा, नयका जमाना के सर बाटे है, देखा पीयूष गा के सुनावत है। चलो भैया पीयूष के लिए सब एक बार ताली बजाओ। ताली बजाओ। अबे तुम लोग गाना गाने आए हो या इस लड़के को किडनैप करने, पहले ये डिसाइड कर लो। ना भोसड़ी के ऐसा लग रहा है जैसे ये दो काला अभी लड़के को उठाएगा और जंगल की तरफ भाग जाएगा। चूतिया। देख भाई मान जा, ऐसी बकचोदी मत कर, नहीं तो मैं गुंडा बच्चा है जो गाने वाला है। मुन्ना भैया देखो जरा इस लंडे को। मुन्ना भैया ने देखा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं तुम्हारे गांड में चनू ने काट रहा है। न साला इस घुरम घुरा सीन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की बॉलीवुड की नशेड़ी गैंग है और ये छोटे लुल्ली इनसे भी। और पब्लिक खाली ये कर रही है। अरे बहन चूत, ये तो बड़ा हरामी बच्चा है बे, ओढ़नी हटा के सबको दिखाने के लिए कह रहा है। शाबाश भोसड़ी के बाप, ऐसे ही बच्चे बड़े होके आसाराम बापू बनते हैं। देख रहे हो बेटी चोदो को कितने ध्यान से देख रहा है। क्या हो रहा है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मर क्यों नहीं जाता है? अबे सालो मान जा, क्या VFX है भैया, क्या ये मतलब क्या एडिटिंग है? भिंचो तुमको क्या बोलना यार। अरे जावे तू चले लू लंगा उठाई, छबरा बियारी भी सब भेल जाए, अखिया शराबी बाई है खराबी, ऐसन बुझाना की हमके बुलाए। बहुत बढ़िया, देख भाई गलती तेरी नहीं है, ये सच में आंखों से इशारा करके बुलाती है, फिर घर के कोने से आवाज आती है। ये क्या है? ये इसका रोज का है, ये सबको बुलाती है। पर भाई मुझे सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम बस तेरे से है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे मार खाते हुए अच्छे लगते हैं, किसी के मारते हुए नहीं। ए, सुन सुन इतना बेटे, बात सुन। चश्मा लगा के खुद को शाहरुख खान समझने वालों, देखो चश्मा लगा के तुम बिल्कुल ऐसे ही दिखते हो, कतई बक बक। अगर तुम लोग इससे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये भोसड़ी का किस इंडिकेटर की तरफ इशारा कर रहा है, गाड़ी की या किसी और की, तो मैं बता दूं, ये गाड़ी की इंडिकेटर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अबे तू ऐसे चूतिया यूट्यूब को बेवकूफ बना सकता है? हमें नहीं, हम पैदा से इंटेलिजेंट है। अबे तुम लोग इंटेलिजेंट हो बे, समझ जाओ। वैसे मुझे पता है तुम लोग समझ गए होगे, क्योंकि तुम लोग जानते हो कि चोली के पीछे क्या है। चोली के पीछे तेरी दादी माँ, जान के हो गए खुश। वैसे यार कोई लड़कियों को इंसाफ दिलाओ, लड़कियों के साथ हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ना, मतलब कोई उनके चीजों के इंडिकेटर बोल रहा है इंडिकेटर। तो
कोई भोजड़ी का बम बोल रहा है। अरे चोली में दू दू गो धैले ई बम्बा। न्याय करो, तुम न्याय करो, हम न्याय करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। आई बंगाल से नाचे मोतिहारी, लागे बोटिया में होई मारा मारी। अरे लहंगा उठावे हो देखावे है कि क्या क्या एक बार फिर से कहना। लहंगा उठावे हो देखावे। देख रहे हो हरामी पना, मैं बता रहा हूँ ये वही लौंडा है जिसके वजह से पूरा मोहल्ला बदनाम हो जाता है। भोसड़ी का साला कुछ भी करता है। भोसड़ी का हो दिखाओ तो ऐसा कह रहा है जैसे मैं मेडिकल शॉप में जाके कहता हूँ कोई अच्छा सा फ्लेवर दिखाओ। देखो तुम लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखो, शर्म आती है यार। मैं तो बस बढ़िया बढ़िया वाला स्टॉक करके रखता हूँ, जब कोई मिलेगी तब करेंगे इस्तेमाल और कितने धरते हिला देंगे। तो बस यार आज का बकचोदी यहीं पे खत्म करते हैं। ओके यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड वैसे एक बात बाबा जी ने बहुत अच्छी कही, मतलब मेल हो या फीमेल हो ठीक है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को इतनी गंदी तरीके से और ऐसी ऐसी चीज़ों से मतलब कंपेयर किया जाता है। कोई मतलब फलों से कंपेयर करता है, कोई चीज़ों से कंपेयर करता है, कोई मतलब कुछ नहीं हुआ तो भाई कुतुब मीनार ही बोल दिया, कुछ नहीं हुआ तो सेब संतरा और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। मतलब साला फल खाने का मन भी ना करे ऐसा ऐसा तो बोलते हैं, और केले को तो पूरी तरह से बदनाम ही करके रख दिया है। मतलब क्या ही मिलता है भाई इन सब चीज़ों को करने में, है ना। तो वीडियो तो रोस्ट तो काफ़ी अच्छा था, और गाने भाई मैंने कहा था ना भोजपुरी में तीन लेवल होते हैं, एक हाई, एक मिडिल, एक बिल्कुल लो। तो ये लोअर कैटेगरी के गाने थे, बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी के, मतलब जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एकदम भाई क्या ही बताएं, मतलब मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं यार इनके लिए, क्या बोले इस टाइप के लोगों के लिए। और ये मतलब जब ये लोग गाने बनाते हैं तो लोग मज़े से इंजॉय भी करते हैं उनको, ठीक है, और अपनी ही फैंटेसी वाली दुनिया में खोए रहते हैं। चलो छोड़ो यार, ये लोग तो ऐसे गाने बनाते रहेंगे, इनके इस तरह के रोस्ट बनते रहेंगे और हम उन पर रिएक्शन देते रहेंगे, ठीक है। तो यार तुम लोग बताओ मुझे रिएक्शन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।